खापरखेड़ा में एक अनियंत्रित कार चालक ने दो बाइक सवार को बड़े ही बेरहमी से उड़ाया है। इस घटना में तीन लोग गंभीर जख्मी हुए हैं, जबकि एक प्रत्यक्षदर्शी बाल बाल बच गया है। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तीनों घायल लोगों को वहां मौजूद लोगों ने उठाकर निजी अस्पताल ले गए। वहां के डॉक्टरों ने तीनों घायल लोगों को नागपुर रेफर किया। जख्मी लोगों के नाम राजू पोलनकर उम्र 29 वर्ष निवासी खापरखेड़ा, अनिल रामचंद्र डेहरिया उम्र 29 वर्ष निवासी चनकापुर और अमित नंदलाल तिवारी उम्र 30 साल निवासी चनकापुर है। तीनों सप्तशृंगी मंदिर के पास चाय की दुकान से चाय पीकर रोड से सट कर खड़े हो गए। राजू और उसका दोस्त अनिल बाइक से वही खड़े थे, जबकि अमित पल्सर गाड़ी से निकला ही था कि राजू और अनिल को दुपहिया वाहन समेत चार पहियों वाली फियाट गाड़ी ने उड़ाया। इसके बाद फियाट गाड़ी ने अमित और पल्सर गाड़ी को उड़ाया। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दोनों दुपहिया वाहन चकनाचूर हो गए। रास्ते पर पड़ी मिट्टी के उड़ने से दोनों बाइक और तीनों घायल कहां गिरे यह धूल छटने तक पता नहीं चला। काले कलर की फियाट गाड़ी क्रमांक MH2BR3647 को जब्त कर अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज किया गया है। रोड पर खड़े ट्रकों की वजह से हाईवे से आने और जाने तथा रोड से लगे छोटे रास्ते से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से दुर्घटनाएं बढ़ रही है। पिछले 7 दिनों में 12 छोटी और बड़ी दुर्घटनाएं इस रास्ते पर हो चुकी है। काले कलर से कार आली इथे ठोकला, इथे पल्सर होती, पल्सर इथून तिकडे फेकली गेली अशी, इथून फेकली, तो पोरगा पण होता सोबत, उडत गेला पोरगा आणि मी त्या समोरच्या टक्क्यामध्ये येतो की थोडंसं वाचलो, एकदम मायक्रो सेकंड वाचलो, आता पोरगा उचललो, तिकडे आलो, त्या पोरगा पूर्ण पाय तुटला होता, दुसऱ्या पोराला मग पॉवरमध्ये नेलं आणि गाडी तिथं पाळली, लोकांनी पाळली तिथं उभी आहे म्हणून गाडी, मी पण जाऊन पाळली, गाडी तिथं उभी आहे। BC News के लिए अरुण महाजन की रिपोर्ट।